हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है गर्ल्स, जिसे लिखा है मृणाल पांडे ने। तो जैसा कि आप लोगों को स्टोरीज के टाइटल से पता चल रहा है, गर्ल्स ये शॉर्ट स्टोरी है गर्ल्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अब इस स्टोरी की जो नरेटर है वो है एक 8 साल की लड़की जिसका नाम है लाली। लाली जो है इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट भी है, जो कि एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की सेकंड डॉटर है। ये शॉर्ट स्टोरी पूरी तरीके से इसके ऊपर आधारित है कि कैसे लड़कियों को ट्रीट किया जाता था पहले, या कहीं कहीं पर अभी भी इंडियन सोसाइटी में। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है लाली से, जो कि अपने नानी के घर जा रही है अपने फैमिली के साथ। लाली की जो मदर थी उन्हें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और उनकी 3 बेटियाँ थी। लाली जो थी वो सेकेंड चाइल्ड थी, और लाली की मदर चौथी बार प्रेग्नेंट थी। लाली के मदर को पूरी ये उम्मीद थी कि इस बार तो वो एक बेटे को ही जन्म देने वाली हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक बेटे को जन्म दे देंगी तो उन्हें बार बार प्रेग्नेंट होने से छुटकारा मिल जाएगा। तो लाली के मदर के प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ्स में जो लाली और उसकी फैमिली है वो लोग जा रहे हैं उसके नानी के घर। लाली और उसकी फैमिली का मतलब लाली की मदर और उसकी बाकी दो बहनें। तो जब वो लोग स्टेशन पहुंचते हैं तो जो लाली की मदर है उन्हें अकेले बहुत सारी चीज़ों को देखना था। उन्हें अपने सामान को देखना था और अपनी 3 बेटियों को देखना था, और उन्हें अपना खुद का भी ख्याल रखना था क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी। तो वो लोग सब समोसा खरीदते हैं खाने के लिए। लाली जो है वो अपनी छोटी बहन को परेशान करती है। वो समोसे के आलू से एक छोटा सा इंसेक्ट टाइप का बना के वो अपनी छोटी बहन को डराने की कोशिश करती है। लाली की जो बड़ी बहन है वो लाली को डांटती है, लेकिन वो लाली से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। फिर फाइनली वो लोग लास्ट स्टेशन पहुँचते हैं और वो लोग मामा को देखते हैं। मामा मतलब लाली के मामा। जब लाली अपने नानी के घर पहुँचती है तो उसे कहा जाता है कि तुम अपने नानी के पैर छुओ। जब वो पैर छूने के लिए झुकती है तो उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं कि आसपास के लोग कह रहे हैं कि थोड़ा अच्छे से पैर छुओ, तुम लड़की हो, लड़कियों को अच्छे से थोड़ा पैर छूना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से झुक के छूना चाहिए पैर। अब जो लाली की मदर है वो अपनी बेटियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो हमेशा कंप्लेन करते रहती हैं अपनी बेटियों के बारे में। फिर वो लोग सब बातें करने लगते हैं। जो लाली की मदर है और जो लाली की नानी है ये लोग सब प्रे करने लगते हैं कि इस बार तो लाली की मदर को बेटा ही होगा। जो लाली की नानी है वो अपने हाथों को जोड़ के भगवान से प्रे करती है कि इस बार जो लाली की मदर है उसे बेटा ही हो। नानी के लिए ये उनके ऑनर पे सवाल था, अगर इस बार जो माँ है, जो लाली की माँ है, उन्हें अगर बेटा नहीं होता तो उनके घर का जो ऑनर था उस पे सवाल उठने लगता। लेकिन जो लाली की मदर है उन्हें बेटा इसलिए चाहिए ताकि वो प्रेग्नेंट होने से छुटकारा पा सके। अब लाली छुप के अपनी माँ और अपनी नानी की बातें सुन रही थी तो उसकी मम्मी उसे चुड़ैल कह के बोलती है। लाली की मदर कहती है कि ये तो सिर्फ मेरे लिए एक बीमारी बन के पैदा हुई है। फिर अगले दिन चैत्र शुक्ल अष्टमी का दिन था, हिंदू कैलेंडर में एक ऐसा दिन जब लड़कियों की पूजा की जाती है देवियों की तरह। लड़कियों के सर पर टीका लगाया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है और उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। सारी लड़कियों की ऐसे ही पूजा हो रही थी, लेकिन जो लाली है वो मना कर देती है इस पूजा होने से। वो कहती है कि मुझे अपना पूजा नहीं करवाना। लेकिन जब उसके घर के बड़े उसे फोर्स करने लगते हैं तो लाली कहती है कि आप लोग जब लड़कियों से प्यार ही नहीं करते तो आप लोग उनकी पूजा क्यों कर रहे हो? मुझे ये सब हलवा पूरी और टीका वीका पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना कोई भगवान। और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब हिंदू कैलेंडर में लड़कियों की पूजा इसलिए की जाती है ताकि उन्हें हर दिन एक देवी का सम्मान मिले, एक देवी का प्यार मिले। लेकिन पहले के ज़माने में इंडिया में लोग बस इसे एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते थे कि आज साल में एक दिन है तो आज हमें लड़कियों की पूजा करनी है, बाकी दिन लड़कियों से नफरत करना है या फिर उन्हें बुरा भला कहना है। ये स्टोरी हमें बताती है कि पहले के ज़माने में लड़कियों के साथ कितना अन्याय होता था, और किसी परिवार में एक लड़का होना कितनी बड़ी बात होती थी। इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि पहले के ज़माने में औरतों को फोर्स किया जाता था बार बार प्रेग्नेंट होने के लिए, ताकि उन्हें जब तक एक लड़का पैदा ना हो तब तक उन्हें प्रेग्नेंट होना पड़ता था। मतलब लड़कों की इतनी ज़्यादा कीमत थी, इतनी ज़्यादा वैल्यू थी, और लड़कियों की उतनी ही कम। अब इस स्टोरी के थीम की बात करें तो स्टोरी के थीम है मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, वेमेन एज इंफीरियर,
डिस्क्रिमिनेशन विद गर्ल चाइल्ड, ऑप्रेशन ऑफ वुमेन बाय द वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन, देवी और बर्डन, डिस्क्रिमिनेशन विद इन द फैमिली। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आई हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि हम और बेहतर कर सकें। एंड थैंक यू।